ब्लिंकिट में जाकर के पैसे कलेक्ट करते थे रात्रि के समय। उनके साथ छीना झपटी करके दो अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा थैला छीनने का प्रयास किया गया था, जिसके संबंध में थाना महानगर में अभियोग पंजीकृत हुआ और जो मजरूब था, जो वादी मुकदमा था, उनको तत्काल भाऊराव देवरस अस्पताल में एडमिट कराया गया। और इसके बाद जो मध्य जोन की सर्विलांस टीम, थाना महानगर की टीम, तुरंत इस घटना के अनावरण हेतु सीसीटीवी कैमरों का, जो कि लगभग 500 के आसपास सीसीटीवी कैमरों का अवलोकन किया गया और आसपास पूछताछ की गई, जिसमें कि 24 घंटे के अंदर तीन जो अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार किया गया और जो घटना में प्रयुक्त जो असलहा था उसको भी बरामद कर लिया गया है। मैम, कितने की लूट बताई जा रही है, जब ले जाते कितने पैसे इनके पास? देखिए, इनको जो इसमें ब्लिंकिट में काम करने वाला जो कर्मचारी था उसके द्वारा ही इस घटना की मुखबिरी की गई थी और जिस समय ये घटना जिस दिन की गई उस समय उसके पास लगभग 1.25 लाख के रुपए के आसपास रुपए थे। मैम, ये लोग क्या कब्जे कर रहे थे इन लोगों की, और रेकी करने के दौरान जो उसके रास्ते थे उसको कैसे चिन्हित किए थे, फिर एक उसको रोक करके फायरिंग की गई? देखिए, ऐसा है कि जो इसमें जिन्होंने जिनके द्वारा ये घटना की गई है उनमें से एक व्यक्ति जो है वो पूर्व में ब्लिंकिट में कार्य भी कर चुका है, साथ ही उसकी जो उमराव मॉल के पास जो स्टोर है उसमें एक जो कर्मी था उसका वो मित्र था, तो उसी मित्र के द्वारा ऐसे बातचीत में ये चीज़ उसको जानकारी हुई कि यहाँ पे रात्रि में कलेक्शन होता है। और फिर इसके बाद इन लोगों ने योजना बनाई और योजना बनाने के पश्चात इनके द्वारा पिस्टल भी आगरा से खरीदी गई इस घटना को अंजाम देने के लिए। मैम, पूर्व में भी कुछ इनके वो आपराधिक इतिहास से क्या कुछ मुकदमा? नहीं, अभी तक जो जानकारी है उस हिसाब से तो अभी इनका कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है, बाकी और गहनता से इस संबंध में जानकारी प्राप्त की जा रही है। मैम, लूट का इरादे से लूट कर रहे थे, लूट के दौरान एकाएक फायरिंग करना और उसकी गोली लगना, क्या लूट में विरोध होने पर उसकी हत्या भी करने की पूरी कोशिश की गई थी? देखिए, ऐसा है कि जो वादी है उसके द्वारा साहसपूर्ण तरीके से जो है रिटेलिएशन किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप उसका जो थैला है वो जो ये दोनों लड़के हैं अभियुक्त हैं इनके द्वारा नहीं छीन सके और उसी छीना झपटी के क्रम में इनके द्वारा जो है फायर किया गया। कितने रुपए की एक्सपेक्टेशन थी कि इतना पैसा मिलेगा? देखिए, इनको चूंकि ये ब्लिंकिट से जुड़े हुए हैं कलेक्शन एजेंट के साथ, तो इन्हें जानकारी रहती है कि अच्छा पैसा रहता है, परंतु एग्जैक्टली कितना रहता है इसका खुलासा नहीं रहता, इनको जानकारी नहीं रहती है। और इसमें से जो गिरफ्तार हुए उनमें से एक वहाँ का एक कर्मचारी भी है और बाकी दो और अभियुक्त हैं जो कि पूर्व में मित्र भी रहे हैं, एक ही गांव के रहने वाले हैं। लूटी रकम मैम कितनी वापस हुई, पूरी आ गई? नहीं, उनके द्वारा कोई भी पैसा लूटा नहीं गया था, केवल प्रयास हुआ था। मैंने पहले भी बताया आपको कि जो वादी है उसने साहसपूर्ण तरीके से इनका सामना किया था और अपना थैला जो है वो मजबूती से पकड़ा रहा तो वो नहीं छीन पाए थे। एजुकेशन क्या होगी इनकी मैम, ये तीनों की, क्योंकि युवा लग रहे हैं, क्या कुछ एजुकेशन है, क्या एजुकेशन का बैकग्राउंड? देखिए, बस वही है, साधारण तरीके से पढ़े लिखे हैं ये, कोई ऐसा स्पेसिफिक इनकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। और ये इनमें से एक जो है वो उसका संभवतः अस्पताल भी चलता है और बाकी और जानकारी की जाए। प्लानिंग किसकी बनाई गई थी मैम, कौन मुख्य है इसमें अपराधी? देखिए, इसमें जो ब्लिंकिट कर्मी है उसके द्वारा जानकारी दी गई थी अपने मित्र को, नवल जो है अभियुक्त, उसके द्वारा जानकारी दी गई थी देवेश जो सर्वेश यादव को। मैम, तीन लोगों की गिरफ्तारी हुई, इसमें हॉस्पिटल कौन चलाता है तीन लोगों में? ये विमल कुमार है, इनके परिजन के द्वारा अस्पताल संचालित किया जाता है। अभी तक की जो जानकारी है इसमें तीन लोग ही प्रकाश में आए हैं, बाकी अन्य विवेचना में अगर कोई अन्य व्यक्ति का भी हाथ रहता है तो उसको भी इसमें प्रकाश में लाया जाएगा। क्या जहाँ से लोग पिस्टल लेके उनकी भी जांच की जाएगी, कहाँ से पिस्टल लाए? बिल्कुल, वो जानकारी प्राप्त की गई है, बाकी कहाँ से और कैसे संपर्क में आए ये सब विवेचना में, इस बिंदु पे विवेचना की जाएगी। ये काफी समय से टोंचा के रहने वाले हैं, टोंचा पड़ता है जो रायपुर राजा ग्राम थाना क्षेत्र इटौंजा। मैम, एक बाइट और जो सुबह महिला द्वारा जहर खाया गया सीएम आवास के आसपास, उन लोगों कहाँ से थी, अभी उसके बारे में इनकी जरूरत है हॉस्पिटल के, उसका चलता है हॉस्पिटल किसका है बताओ आप, और वहाँ कर्मचारी कौन था? ब्लिंकिट का वो कर्मचारी, बीच वाला कर्मचारी है, पूर्व कर्मचारी हुआ कर्मचारी।
दीदी सत्तू भाई पिस्टल लवर नहीं ओके सर ज्यादा पैसों के लालच में अच्छे खासे नए नए उम्र के लड़के बताओ सबसे बड़ी बात अच्छी खासी नौकरी हो गया जंग लगी गोली चली थी रोजगार के लिए देखो पहला सामान खरीद लिया तो एक बार में